नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड 19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। कोविड 19 के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल में पहुंचने या अन्य किसी कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है तो इसमें बिल्कुल भी विलंब न किया जाए। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने पर यदि व्यक्ति सिम्प्टोमेटिक है तो उनको 100% आरटीपीसीआर हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर व पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घंटे के अंदर लोगों को कोविड की रिपोर्ट मिल जाए। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं देहरादून को पॉजिटिविटी को नियंत्रण करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। मास्क न लगाने पर जिन लोगों के चालान किए जा रहे हैं उनको मास्क जरूर उपलब्ध हो। हमारा उद्देश्य कोविड से लोगों को बचाना है, न कि चालान पर राजस्व वसूलना। बिना मास्क दिए चालान करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट 99.89% टेस्ट हो चुका है, 80% आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जा रहे हैं, पर्यटक स्थलों पर लगातार कोरोना की सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि नॉन कोविड हेल्थ फैसिलिटी भी सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि सीएचसी, पीएचसी एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए, इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मास्क पहनने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी, एनएसएस के बच्चों के माध्यम से भी जागरूकता के लिए मास्क वितरित किए जाएंगे। बैठक में सचिव श्री शैलेंद्र बगोल, श्री एस ए मुरुगेशन, डॉक्टर पंकज पांडे, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी श्री अभिनव कुमार, श्री संजय गुंजाल, डीआईजी श्री अरुण मोहन जोशी, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अमित उप्रेती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए देहरादून से ब्यूरो की रिपोर्ट।